नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज की प्यारी सी सुबह में आप सभी का। आज का दिन बहुत ही सुंदर और सुखमय बीते, यही दिल की दुआएं हैं। मित्रों, कहते हैं कि सूर्य पूरे दिन रोशनी देता है, जबकि मोमबत्ती चंद घंटे, माचिस की तीली चंद लम्हे, लेकिन दुआएं हमारे पूरे जीवन को रोशन कर देती हैं। इसीलिए हमें दिल से सबको दुआएं देनी भी चाहिए और दुआएं लेनी भी चाहिए, क्योंकि जीवन में जब कभी भी विघ्न और बाधाएं होती हैं तो कहते हैं कि दुआएं ही काम करती हैं। और यदि दुआओं की पूंजी हमने जमा की हुई है तो जीवन में कभी विघ्न और तकलीफें आती ही नहीं। इसीलिए हम अपनी स्थूल कमाई तो करें ही करें, लेकिन साथ ही साथ जीवन में कुछ ऐसे कर्म भी करते चलें जो औरों की दुआएं हमें प्राप्त हों और ये पूंजी भी हम अपने जीवन में जमा करते चलें। तो आप सभी की दुआओं के पात्र बने इन्हीं दुआओं के साथ। आइए चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। दुआओं का घेराव करे तनाव से बचाव। माँ बाप की छत्र छाया के नीचे रहने वाला बच्चा हमेशा सुरक्षित महसूस करता है। जब वो उस सुरक्षा क्षेत्र के बाहर कदम रखता है तो पल पल उसे अनिश्चितता का एहसास होता है और वो उसी संरक्षित आश्रय की खोज करता है। मनुष्य की जीवन में सबसे बड़ी छत्र छाया उसके श्रेष्ठ कर्म ही है। श्रेष्ठ कर्म ही दुआओं का आधार है, यही श्रेष्ठ कर्मों का बल हमें हर आने वाली नकारात्मक परिस्थिति से सुरक्षित रखेगा। लेकिन जब हम नेकी का रास्ता छोड़ गलत कर्म करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप हम परमात्म छत्र छाया से निकल अनिश्चितता के दायरे में खुद को महसूस करते हैं। सत्कर्म ही आपकी ढाल बनकर आपकी तनाव आदि बुराइयों से रक्षा करता है और आपको परमात्मा के समीप लाता है। मित्रों, कहते हैं जो दूसरों की खुशी के लिए दुआ मांगते हैं उन्हें अपनी खुशी के लिए दुआ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। खास करके हम उन लोगों के लिए तो ज़रूर दुआएं करें जो शारीरिक तकलीफ़ों से, व्याधियों से घिरे हुए हैं। शायद हमारी दुआएं उनके लिए दवा बन जाए और जब वो ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, तो उनकी जो दुआएं हमें प्राप्त होंगी, सचमुच उससे बड़ी पूंजी तो और कुछ हो ही नहीं सकती। ये पूंजी, ये दुआओं की पूंजी हमें भी शारीरिक तकलीफ़ों से मुक्त रखेंगी और हमेशा प्रसन्न रखेंगी। तो हम ये दुआ ज़रूर प्रतिदिन हर एक आत्मा के लिए किया करें कि वो संपूर्ण रूप से स्वस्थ रहें। आइए इन्हीं दुआओं के साथ चलते हैं आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति। मधुमेह के रोगियों में इम्यूनिटी कम हो जाती है, जिससे उन्हें तरह तरह के इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। और शुगर लेवल ब्लड में ज़्यादा होने की वजह से एक बार इन्फेक्शन हो गया तो उसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है, या यूँ कहे वो बहुत जल्दी से बढ़ते हैं इन्फेक्शन। तो सबसे ज़्यादा कॉमन इन्फेक्शन इनको होते हैं UTI के, यानी यूरिन करते वक्त उन्हें जलन होगी, दर्द होगा, पेट के निचले हिस्से में भी दर्द होना शुरू हो जाता है, स्मेली यूरिन आएगा, येलो यूरिन आएगा, बार बार जाना पड़ेगा। तो ऐसे UTI से बचने के लिए आपको प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन रखना है, या हाइजीन मेंटेन रखना है, और शुगर लेवल भी कंट्रोल रखना है। दूसरा इन्फेक्शन डायबिटीज़ के पेशेंट में होता है निमोनिया का, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसके लिए हम सजेस्ट करते हैं न्यूमोकोकल वैक्सीन या अलग तरह के फ्लू वैक्सीन, आपके डॉक्टर्स आपको आपके इम्यूनिटी के हिसाब से सजेस्ट करते हैं। तो और तीसरे तरह का इन्फेक्शन होता है TB। अगर आप नॉर्मल है, नॉर्मल पर्सन है, आपका ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ है, आपके अंदर TB के बैक्टीरिया डॉर्मेंट रह सकते हैं, आपको इन्फेक्शंस नहीं होंगे, सिम्टम्स नहीं आएंगे। पर एक बार डायबिटीज़ डायग्नोज हो जाता है तो इम्यूनिटी लो होने की वजह से पहले के जो आपके पास डॉर्मेंट TB बैक्टीरियाज रहते हैं बॉडी में, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ऐसे भी अदरवाइज़ भी TB के इन्फेक्शन 2-4% ज़्यादा होते हैं डायबिटिक पेशेंट्स को। दूसरे तरह के इन्फेक्शंस होते हैं पैरों के इन्फेक्शंस, जैसे चमड़ी रूखी होने की वजह से डायबिटिक पेशेंट में क्रैक्ड हील्स की समस्या होती है, वहाँ से इन्फेक्शन अंदर जाने के प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। कोई घाव हो जाता है तो इंजरी हो जाने की वजह से भी, जबकि डायबिटीज़ को न्यूरोपैथी की वजह से पता नहीं चलता है कि इंजरी हो गई है,
तो अंदर ही अंदर घाव बढ़ता होता है, इन्फेक्शन बढ़ते जाता है, कई बार वो हड्डियों तक भी पहुंच जाता है, जिसे ऑस्टियोमायलाइटिस कहते हैं, जिस वजह से कई बार गैंग्रीन हो जाता है, सेप्सिस हो जाता है, यानी पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल जाता है, और कई बार फिर एम्प्यूटेशन करके वो पैर को फिर अलग करना पड़ता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है इन्फेक्शंस का। दूसरा, आपको पायलोनेफ्राइटिस होने के चांसेस होते हैं डायबिटीज पेशेंट में, क्योंकि इन्फेक्शन किडनी तक पहुंच जाता है, तो कमर में दर्द होना, पेशाब में प्रॉब्लम होना, बार बार बुखार आना, ठंड लगना, इस तरह के सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। तो हर तरह के इन्फेक्शंस, जैसे माउथ में भी जिंजिवाइटिस हो जाता है, यानी मसूड़ों में सूजन आ जाएगी, मुंह से बदबू आएगी, पायरिया हो जाएगा, या बार बार दांतों की समस्या हो जाएगी। तो दांतों की समस्या बार बार हो रही है, इन्फेक्शन हो रहा है, इससे भी हमें लगता है कि हम पेशेंट का शुगर लेवल चेक करें और डायबिटिक पता चलते हैं, और जो डायबिटिक है उनको भी दांतों की समस्या बहुत होती है। इसलिए अपना इम्यूनिटी लेवल मेंटेन करने के लिए आपको अपना डाइट पे ध्यान देना है, एक्सरसाइज पे, आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहे, ये ध्यान रहे, और किसी भी तरह का कोई एडिक्शन ना हो, चाहे शराब का हो या स्मोकिंग का, कोई भी व्यसन ना हो, तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। दूसरा, हमारा इम्यूनिटी लेवल कम करता है स्ट्रेस, तो स्ट्रेस से मेंटेन करने के लिए भी आपको ध्यान रहना है। इजी गोइंग लाइफस्टाइल हो, प्रॉपर डेली चार्ट आपका मेंटेन हो एक्सरसाइज और डाइट का, और मेडिटेशन उसमें ज़रूर शामिल करें। मित्रों, जब आज बात हो रही है दुआओं की, तो मुझे याद आ रही हैं दादी प्रकाशमणि जी, जो कि ब्रह्मा कुमारीज की चीफ थीं। उन्होंने अपने जीवन का एक सुंदर नियम, सिद्धांत ही बना लिया था कि मेरे जीवन के माध्यम से, मेरे बोल के माध्यम से, मेरे कर्मों के माध्यम से सभी को प्रेरणा प्राप्त हो दुआएं देने और लेने की। मैं ऐसे कर्म करूं जिससे सबकी दुआएं मुझे प्राप्त हों। और सचमुच वो जीती जागती इसकी प्रतिमा थी। संसार में कोई भी ऐसा नहीं था जो उनसे प्रेम नहीं करता था, जो उन्हें दिल से दुआएं नहीं देता था। हम भी अपने जीवन का ऐसा ही एक सुंदर सिद्धांत बना ले मित्रों, कि हमारे बोल, हमारे कर्म ऐसे हों कि हम जहाँ कहीं भी जाएं, जिनसे भी मिलें, उनसे हम दुआएं प्राप्त करें, क्योंकि यही तो वो चीज़ है जिसे लेकर के हम साथ जाते हैं। ज़रा विचार करें, हमारे साथ इस संसार से और क्या जाएगा, लोगों के द्वारा दी गई ये दुआएँ जिन्हें हम संजो कर ही अपने साथ ले जा पाएंगे। तो क्यों ना अपने जीवन को हम ऐसा ही सुंदर बनाएं, और ऐसा ही सुंदर हमारे विशिष्ट जन भी अपने जीवन को बनाकर औरों को प्रेरित करते हैं। आइए देखें कि आज विशिष्ट की बातें विशेष में कौन से विशेष मेहमान हमारे साथ हैं। यहाँ जो ईश्वरीय ज्ञान दिया जा रहा है, मूल्यों की बात कही जा रही है, या राजयोग सिखाया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि ये आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग ऐसी स्थिति से उबारने में व्यक्ति को मदद कर सकता है? बिल्कुल। मैंने तो जो 3-4 दिन मैं यहाँ रहा हूँ, मॉर्निंग में हम जिस प्रकार अपना परिचय प्राप्त करते थे जी, कि जनरली हम लोग बॉडी कॉन्शियस होते हैं, समझते हैं मैं ये शरीर हूँ, तो इस बॉडी कॉन्शियसनेस से कैसे बाहर आना है, इस प्रकार की एक जानकारी जी, और उसके अलावा आत्मा के गुणों के बारे में जानकारी, उसके अलावा एक कनेक्टिविटी की जानकारी, सो दैट वी फील कनेक्टेड विद द एंटायर कॉस्मोस जी, हम लोग व्यष्टि से समष्टि की तरफ कैसे बढ़ें, तो इस प्रकार की जानकारी जो प्राप्त हुई है, और जिस प्रकार का एम्बियंस और दिव्य वातावरण मैंने अनुभव किया है, मुझे तो अपने अंदर बेहद शांति महसूस हुई। अब मुझे लगा कि वास्तव में मुझे बार बार ऐसी जगह आना चाहिए, और लोगों को भी आना चाहिए, आकर सीखें, ज्ञान प्राप्त करें, और ज्ञान के अंदर उतर कर जो आपको फ़ायदा होगा, उस फायदे को ग्रहण करें, तो मैं समझता हूँ मानवता का कल्याण होगा। मित्रों, किसी को गलत करते हुए देखकर उस पर गुस्सा करना, ये एक साधारण सी बात है, लेकिन किसी को गलत करते हुए देखकर उसके लिए दिल से दुआएं करना कि ये अच्छाई के मार्ग पर चल पड़े और अपनी बुराइयों से मुक्त हो जाए, ये विशेष बात है और ये महानता है जिस पर हम सबको अपने जीवन में ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जब बुरे व्यक्ति की हम बुराई करते हैं और बुरे व्यक्ति को बुरा ही कहते रहते हैं, तो वो कभी भी सुधर नहीं पाता, कभी भी अच्छाई की ओर नहीं चल पाता, ये आपका भी अनुभव होगा।
लेकिन जब आप उसकी अच्छाई की ओर उसका ध्यान दिलवाते हैं या उसकी अच्छाई का वर्णन करते हैं अपने दिल में दुआ का भाव रखते हुए कि उसका कल्याण हो, तो सचमुच उसके अंदर भी एक भाव जागृत होता है कि मैं अपनी बुराइयों से मुक्त हूँ। तो ये एक विशेष महान भाव मित्रों हम अपने जीवन में ज़रूर अंगीकार करें कि बुराइयों को न देखते हुए विशेषताओं को देखें और दिल से दुआएं देते हुए उनकी विशेषताओं का वर्णन करें ताकि वो भी सत्य पथ और अच्छाई के पथ पर चल पड़ें। और यही सुंदर कार्य हम देखते हैं ब्रह्मा कुमारी संगठन में भी कि संसार में अनेक बुराइयां होते हुए भी, लोगों में अनेक बुराइयां होते हुए भी, वो सबके अंदर अच्छाइयों को देखते हुए अच्छाइयों को ही जागृत करने का सुंदर श्रेष्ठ कर्म अर्थात सेवा कर रही हैं। आइए देखें उनके इन सुंदर सेवा कार्यों को। परमात्मा शिव का अवतरण संदेश हर एक मनुष्य तक पहुंचाने के लिए ब्रह्मा कुमारियां देश के कोने कोने में सेवाएं देती हैं। इसी सेवा कार्य को और भी तीव्र गति देते हुए दिल्ली के केशवपुरम लॉरेंस रोड ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र की प्रभारी वीके लक्ष्मी दीदी जी के सानिध्य में महाशिवरात्रि महोत्सव एवं सुख शांति अनुभूति भवन का उद्घाटन समारोह मनाया गया। सबसे पहले शिव परमात्मा की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया। ब्रह्मा कुमारीज ORC की डायरेक्टर राजयोगिनी बीके आशा दीदी एवं पालम विहार की बीके उर्मिल दीदी, किंग्सवे कैंप की बीके साधना दीदी, शालीमार बाग की बीके पूनम दीदी और पश्चिम विहार की बीके सुषमा दीदी ने अपने कर कमलों से फीता काटकर नवनिर्मित सुख शांति अनुभूति भवन का उद्घाटन किया। इसके बाद शिवरात्रि के आध्यात्मिक रहस्य को समझाते हुए एक बहुत ही सुंदर पैनल डिस्कशन आयोजित किया गया, जिसके द्वारा शिवरात्रि पर्व पर मनाए जाने वाले अनेक रस्मों के आध्यात्मिक रहस्य बताए गए। कार्यक्रम में क्षेत्र के पूर्व विधायक महेंद्र नागपाल जी, अनिल भारद्वाज जी, निगम पार्षद योगेश वर्मा जी तथा श्री रवि मल्होत्रा जी आदि अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की। नृत्य संगीत के द्वारा इस उत्सव में और भी रंग भरे गए। बीके आशा दीदी, बीके साधना दीदी एवं अनेक गणमान्य व्यक्तियों द्वारा शिव ध्वजारोहण किया गया। तत्पश्चात बीके आशा जी ने वर्तमान चल रहे इस श्रेष्ठ समय में अपने समय और संकल्पों को सफल करने और परमात्मा को पाने की विधियों के बारे में बताया। मित्रों, जीवन का एक सुंदर सत्य है कि आप यदि दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल करते हैं तो खुशियां सबसे पहले आपके दरवाजे पर दस्तक देती हैं, क्योंकि आप औरों के लिए अपने शुद्ध मन से दुआएं कर रहे हैं। और ये प्रकृति का नियम है जिस पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि जो आप देते हैं वही आपको प्राप्त होता है। जो आप दे रहे हैं हजार गुणा होकर के वापस आपके पास आता है। और विचार करें, यदि आप सबको दुआएं दे रहे हैं तो सबकी तरफ से भी आपको हजार गुणा होकर के वो दुआएँ प्राप्त होंगी और जीवन कितना सुखमय, कितना आनंदमय और कितना निर्विघ्न हो जाएगा आप कल्पना कर सकते हैं। और वैसे भी हमारी तो संस्कृति है मित्रों, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो क्यों ना इस सुंदर सूत्र को, इस सुंदर श्लोक को भी अपने जीवन का अंग बना लें और प्रतिदिन सबके लिए दिल से दुआएं करें, ऐसे कर्म भी करें जिससे औरों की दुआएं स्वयं को प्राप्त होती चलें। तो आपका जीवन दुआओं से भरा हुआ हो, औरों को दिल से दुआएं दें और सबकी दुआएं प्राप्त करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, दुआओं के साथ आज के लिए नमस्कार, ओम शांति।